हमारे पहाड़ों में ऐसे ऐसे पौधे उगते हैं जिनके बारे में ना आपने देखा होगा, ना सुना होगा, और ना ही ये कहीं बाजार में आपको मिलेंगे। इसको बोला जाता है मरोड़ी, और इसका जो टेस्ट है बहुत ही अच्छा होता है, तो यहाँ के लोगों के द्वारा इसको बहुत ही अधिक मात्रा में उपयोग किया जाता है। इसकी हम एक स्पेशल चीज़ बनाते हैं, आगे मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये ऐसा पौधा है जिसको कोई लगा के नहीं करता है, ना ही इसका कोई बीज होता है, ये अपने आप ही उगता है। और दो टाइप का ये पौधा होता है, एक तो इस तरह से बेल वाला और दूसरा ये झाड़ीनुमा होता है। तो इनके पत्तों में बहुत डिफरेंस होता है, और यहाँ पे ये झाड़ीनुमा पौधा है जिसमें ऊपर फूल भी लगे हुए हैं। तो इसके पत्तों की बात की जाए तो ये करता है इमली का काम, यानी कि इसके जो पत्ते होते हैं बहुत ही ज़्यादा खट्टे होते हैं टेस्ट में। मरोड़ी हो गई, ब्रांच हो गया, तो ये टेस्ट में खट्टे होते हैं, तो यहाँ पर इनकी चटनी जो है वो बनाई जाती है। तो कल है जी होली, तो इसकी बनाएंगे हम चटनी। तो चटनी बनाने के लिए इसको हम ग्राइंड करते हैं इसके पत्तों को, और उसमें मिलाते हैं जीरा, मिर्च हो गई, लहसुन हो गया, और उस तरह से सारे मसाले, नमक मिर्च मिला करके इसको पीस लेते हैं। और उसके बाद इसमें बहुत सारा प्याज डालते हैं, हरा धनिया हो गया और मिर्च पाउडर हो गया, ये सारी चीज़ें इसके ऊपर डाल करके इसको प्रिपेयर किया जाता है। और ये सचमुच बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है और एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो एकदम ऑर्गेनिक। इस चटनी को आप किसी के साथ भी खा सकते हैं। तो इस तरह की चटनी अगर आपको खानी है तो आपको पहाड़ों में आना।